उज्जैन जिले में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सांसद अनिल फिरोजिया ने लोकसभा में प्रश्न उठाकर क्षेत्र में बढ़ रहे प्रदूषण से अवगत कराया, जिसके बाद केंद्र स्तर का एक दल नागदा समेत आसपास के क्षेत्रों में जांच करने के लिए पहुंचा। यह दल 3 दिनों तक पर्यावरण प्रदूषण, पानी प्रदूषण की जांच कर सैंपल लेगा। सदन को अवगत कराया था कि किस तरह से चंबल नदी पूरी तरह पॉल्यूटेड हो गई है उद्योगों के कारण, और जो 22 गांव हैं वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो विकलांग हो चुके हैं, उन सबका डाटा भी हमारे पास है। और इसी बात को लेकर माननीय जो मंत्री जी थे प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने आश्वस्त किया था कि वो एक जांच दल भेजेंगे और इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे। उनका जो उत्तर था उसी तारतम्य में आज ये जांच दल यहां पर आया था। परमारखेड़ी ग्राम पहुंची टीम ने पानी का सैंपल लिया। बताया गया कि इस गांव में दूषित पानी पीने से करीब आधा सैकड़ा बच्चे विकलांग हो गए। वहीं ग्रामीणों ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया और कहा कि कई बार जांच हो जाने के बाद भी कोई हल नहीं निकल सका। अधिक से अधिक बीमारी फैलने लगी। जब हमने सारे मुद्दे थक गए, मतलब कितनी टीमें आई कितनी गई, तो हमारा तो विश्वास ही खत्म हो गया। आज सैंपल भरे, उसकी हम रिपोर्ट देखेंगे। उस रिपोर्ट में अगर जो भी आया उसके अगर प्लस है और वास्तविक इसमें सत्यता पाई गई, तो उसके ऊपर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करें, या फिर अगर उसमें गलत बताया गया तो सर यहाँ मतलब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो कंपनी के सारे पे काम करता है, मानते हो? बिल्कुल करते हैं, आज से नहीं शुरुआत से करते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है। ग्रामीणों का कहना है कि उद्योगों का रसायन युक्त पानी चंबल नदी और नालों में छोड़ा जाता है, जिससे समस्या निर्मित हो रही है। उज्जैन से अशोक दायमा की रिपोर्ट। सांसद महोदय अनिल फिरोजिया साहब का जो लोकसभा में सवाल उठाया था कि चंबल नदी पे क्या हो रहा है, उसके संदर्भ में ये था। तो केंद्रीय दल की टीम आई है, एक दिल्ली से हमारे ऑफिसर आए हैं और एक मैं भोपाल ऑफिस से आया हूँ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से। क्या पाया गया है सर यहाँ पर? सर नहीं पाया, कुछ नहीं किया, तो सर्वे किया है इसके अंदर हमने। 11 अलग अलग लोकेशन से जो हमारे सांसद मोदी साहब के प्रतिनिधि थे उनके साथ मिलकर सैम्पलिंग किया है। जैसे चंबल नदी में इंडस्ट्री का ड्रेन मिला उससे पहले, सीवर ड्रेन का, और जो जो पॉइंट इन्हें बताए, जैसे हेडपम्प के सैंपल लिए हैं, एक अपना परमारखेड़ी गांव के अंदर लिए हैं, इस तरह का हमने सैंपलिंग की है।